शिव महल्ला कतरास के रहने वाली बसंती देवी एवं उनकी बेटी ने कतरास के चर्चित हॉस्पिटल चौधरी नर्सिंग होम के डॉक्टर चौधरी पर मारपीट एवं धमकी देने का आरोप लगाया। बसंती देवी एवं उनकी बेटी ने कहा, चौधरी नर्सिंग होम का नाली निकालने का कोई और रास्ता नहीं था, जिससे पानी उनके कंपाउंड में जमा रहता था। नर्सिंग होम का मालिक डॉक्टर चौधरी मेरे पिताजी के पास आकर बोले, तुम्हारे घर के गली से नाली बनाकर कटरी नदी तक पानी बहने का रास्ता बना देते हैं, हमारा भी काम हो जाएगा और आपको भी नाली से पानी बहाने का काम आ जाएगा। पिताजी बोले, नाली बनने के बाद नाली भर जाने पर सफाई कैसे होगा? उस पर डॉक्टर चौधरी पिताजी को बोले, हमेशा नाली की सफाई सुपर से हम करवाएंगे, लेकिन आज नाली सफाई कराने से मुकर रहे हैं। जब हम दोनों माँ बेटी बोलने गए तो शाम में सुपर को भेज दिया। सुपर बिना पूछे घर में घुस गया और नाली का स्लीपर उठाने लगा। हम लोग बोले, कभी खाना खा रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए। इस पर सुपर गाली गलौच करने लगा, हम लोगों के साथ हाथापाई करने लगा। सभी सुपर दारू पिए हुआ था। जब ये बात डॉक्टर चौधरी को बताए तो हम लोगों को धमकी देने लगा। बोला, ज़्यादा बोलेगी तो तुम लोगों को बता देंगे, रहना मुश्किल कर देंगे, कोई कुछ नहीं हमारा बिगाड़ सकता है, हम लोग कतरास थाना में शाम को लिखित आवेदन देंगे, डॉक्टर चौधरी पर केस करेंगे। ये गली में चलने वाले व्यक्ति आम आदमी को भी काफी परेशानी हो रही है। एसपी मोहल्ला का मेन गली है, इस गली में कई लोग गुजरते हैं जो हॉस्पिटल से निकला हुआ नाली का पानी गंदगी से लोग परेशान हैं। चौधरी नर्सिंग होम हॉस्पिटल का विरोध में आपने थाना में आवेदन दिए हैं, नाली को लेकर के क्या समस्या बताइए? बहुत गंदगी पानी आता है। और क्या क्या इसमें दिक्कत हो रही है? पानी आता, कभी सफाई नहीं करता, कभी कुछ करता नहीं है, तेल ना पानी कुछ नहीं, पानी तेल। तो ये घर आपका है तो इस घर से नाली निकालने के लिए किसका आदेश, आपका आदेश से बना था? हमारा बाबूजी दिया था ना सलिया से। क्या बात हुई थी उस समय? बात हुआ था ना, जब ठीक है हमको नाली निकालने जाओ, कभी तुमको दिक्कत होगा तो हम हैं, तो हफ्ता में साफ करेंगे। तो अभी अभी क्या समस्या आ गया? कुछ नहीं, एक साल से कुछ नहीं कर रहा है। तो आपका क्या मांग है? मांग है ये नाली हमारा बंद करवाना हाल है, अब जमीन में हम कह देंगे, इतना गंदगी हम कह देंगे। अब गाड़ी दुखता है उसको सुपर लोग करता है, आकर मारपीट करता है। आवेदन में दिया कि बिना पूछे भी घर में घुस जाता है लोग, सफाई बिना पूछ ले, किसी ने पूछा नहीं, अच्छा बस आया बस घुस गया घर। अच्छा ठीक है, इसका मतलब आपको नाली बंद कराने का आप मांग कर रहे हैं ना? क्या प्रॉब्लम है नाली का लेकर के, क्या हुआ आपके साथ? बिना पूछ ले घर से घुस गया, वो कबाड़ने लगा। कौन आया था घर में? सुपर और उसका डॉक्टर साहब धीरज चौधरी सब आया और बोला कि कबाड़ो इसको, तो कबाड़ के बिना पूछ ले, हम बोले बच्चा खाना खा रहा है रुक जाओ, अब नहीं बोला कि तुम बोलेगी ज़्यादा, उसमें गाली दुखता बकने लगा, उसमें हाथाबाजी हुआ, वहाँ पे एक थप्पड़ लगाया तो इसलिए हम एक थप्पड़ हम मारे उसको। उसके बाद दारू पी का पूरा नशा का झोंक में उससे बोला कि उसको उसको सबक दो, बोले तुमको हम बता देंगे। कौन बोला ये बात? धीरज चौधरी। क्या बोला? बोला कि तुमको हम बता देंगे, बढ़िया धमकी दिया हमको। तो आप अभी क्या करने जा रहे हैं? इसका जो पैसा बोला है उसका आधार पर आप क्या करने जा रहे हैं? आवेदन लिख के देंगे थाना में। क्या मांग करेंगे? नाली को उठी बंद करवाएंगे और ये गंदगी से हम लोग बर्दाश्त नहीं हो रहा, बाल बच्चा बीमारी फैल रहा है, ये कोरोना के वजह से ये और बीमारी बच्चा लोग का होगा इसका परवाह। और आपके साथ जो होगी उसमें क्या करेंगे? उसमें हम केस करेंगे, मिस्टर के थ्रू में जाके उठी करवाया है।